दोस्तों, अगर आपको अर्जेंट में कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई है तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ऐसे इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जिस एप्लीकेशन में विद इन 5 मिनट में आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है और जो लोन का पैसा है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये जो एप्लीकेशन है बिल्कुल जेन्युइन और ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, तो इस वीडियो में आप लगातार बने रहे कौन सी ये एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन आपको कितने रुपये तक का लोन प्रोवाइड करवा सकती है और इस लोन पर आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा और ये जो लोन है आपको कितने टाइम पीरियड तक मिलेगा एंड आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होंगे, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो बने रहे इस वीडियो में और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन करना है और इसमें आपको टाइप करना है प्योरो इंस्टेंट क्रेडिट लिमिट। ये टाइप करके जैसे आप सर्च करोगे तो दोस्तों ये वाली एप्लीकेशन आपके प्ले स्टोर में खुलकर आपके सामने आ जाएगी। इस वाली एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो इस एप्लीकेशन की जो रिव्यूज है वो भी काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिल जाएंगे और साथ ही साथ में दोस्तों इस एप्लीकेशन जो डाउनलोडर है वो 5 लाख+ डाउनलोडर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम अबाउट सेक्शन में चलते हैं। अबाउट सेक्शन में आने के बाद में हम यहाँ पर पेज में स्क्रॉल डाउन करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एप्लीकेशन है आपको 20,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन यहां पर प्रोवाइड करवा देती है और साथ ही साथ दोस्तों इस लोन पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आप यहां पर देखेंगे 9% से लेकर यहां पर 39.99% तक आपको ये इंटरेस्ट रेट आपसे लेती है और साथ ही साथ ये जो लोन है दोस्तों आपको 3 महीने से लेकर 60 महीने तक प्रोवाइड करवाती है। जो प्रोसेसिंग फीस है आप यहां पर देख सकते हैं 1% से लेकर 3% ये प्रोसेसिंग फीस लेती है। तो दोस्तों यहां पर आकर आप अच्छे से यहां पर रीड आउट कर सकते हैं। यहां पर आप नीचे देखेंगे तो यहां पर एक्सप्लेन के तौर पर भी यहां पर बताया गया है, जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन लिखा हुआ है। एक्सप्लेन के तौर पे दोस्तों अगर ये एप्लीकेशन आपको 1 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करवाती है 12 मंथ के लिए तो आपको यहां पर 14% तक का इंटरेस्ट रेट आपको देना होगा और इसकी जो ईएमआई बनेगी वो 8,979 रुपये की ईएमआई बनेगी और इसी के साथ में आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो 1,180 रुपये होगी और आप यहाँ पर देखेंगे आपके बैंक अकाउंट में जो टोटल अमाउंट पेड होगा वो 98,628 रुपये का आपके बैंक अकाउंट में लोन ट्रांसफर किया जाएगा और इसी के साथ में आपकी जो मंथली ईएमआई है वो ऑटोमेटिक डेबिट होती रहेगी, जो कि 8,979 रुपये की ईएमआई ऑटोमेटिक डेबिट होती रहेगी। तो यहाँ पर आकर दोस्तों इस एप्लीकेशन में अबाउट सेक्शन में आकर इसके और भी ज़्यादा रिव्यूज़ एंड इसके बारे में आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस एप्लीकेशन आप किस प्रकार डाउनलोड करके इस एप्लीकेशन में आप किस प्रकार लोन के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन करना है और इसमें आपको टाइप करना है प्योरो इंस्टेंट क्रेडिट लिमिट। ये टाइप करके जैसे आप सर्च करेंगे तो ये वाली एप्लीकेशन खुलकर आपके सामने आ जाएगी। इस वाली एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। आप जैसे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। इस एप्लीकेशन का सबसे पहला इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। आपको पेज में स्वाइप अप करना है एंड नीचे आपको लेट्स गो पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपके पास में आपके जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपसे मांगे जाएंगे। तो आपके जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप यहां पर फिल करेंगे, नीचे टर्म्स पर क्लिक करेंगे एंड गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाती है, ओटीपी को आप यहां पर फिल करेंगे एंड नीचे वेरीफाई ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे। आप जैसे वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को दोस्तों आपको परमिशन दे देनी है। तो आपको अपने लोकेशन, आपके कैमरे एंड आपके एसएमएस की जो भी परमिशन है वो आपको यहाँ पर नीचे अलाउ कर देना है। आप जैसे अलाउ पर रहेंगे तो यहाँ पर दोस्तों नीचे आपको एक्सेप्ट का बटन शो हो रहा होगा, आपको एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे नीचे आप देख सकते हैं आप 3 सिंपल स्टेप के अंदर यहाँ पर ये लोन ले सकते हैं। तो ऊपर में ही आपको गेट स्टार्ट शो हो रहा होगा तो सिंपली आपको गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ऐड पर्सनल डिटेल, आपकी जो भी पर्सनल डिटेल है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो आपका जो भी फर्स्ट नेम है वो फर्स्ट नेम आप डालेंगे, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, आपके पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे एंड दोस्तों आपका जो भी करंट एड्रेस एंड पिन कोड है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद में आपकी एम्प्लॉय डिटेल आप यहाँ पर फिल करेंगे। आप सैलरीड पर्सन है तो आपको सैलरी चुन लेना है या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप सेल्फ एम्प्लॉय का चुनाव आप यहाँ पर कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आप सैलरीड पर्सन है और सैलरीड पर्सन चुनते हैं तो आप जिस कंपनी में भी काम करते हैं, जिस जगह आप काम करते हैं उस कंपनी का नेम आप यहां पर फिल करेंगे एंड नीचे दोस्तों आपकी जो भी मंथली नेट सैलरी है वो मंथली सैलरी आप यहां पर फिल करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों आपको यहां पर 25,000 रुपए तक की सैलरी चुनना है, 25,000 से कम सैलरी आपको यहां पर चुनाव नहीं करना है। और दोस्तों अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो ऊपर में ही दोस्तों आप यहां पर सेल्फ एम्प्लॉय पर क्लिक करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉय पर क्लिक करने के बाद में भी दोस्तों आपकी जो सैलरी है वो यहां पर 25,000 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए तो आप यहां पर 25,000 का चुनाव करेंगे। अदरवाइज जो भी आपकी सैलरी है, जो भी आप कमाते हैं पर मंथ,
उसका चुनाव आप यहाँ पर कर लेंगे, 50,000, 1,00,000 या फिर 35,000, जो भी आप सैलरी कमाते हैं सेल्फ एम्प्लॉय के तौर पर, वो आप यहाँ पर फिल नीचे टर्म्स पर क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। आप जैसे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके लिए जो ऑफर निकल कर आएगा, जितने रुपये का आपके लिए ऑफर निकल कर आ जाएगा, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, वेल डन 5,00,000 रुपये, हम यहाँ पर 5,00,000 रुपये की क्रेडिट लिमिट के लिए एलिजिबल है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो क्रेडिट लिमिट है हमें यहाँ पर शो हो चुकी है, और साथ ही साथ नीचे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोसेसिंग फीस एंड विड्रॉल टाइम यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस लोन पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 17% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, और इसकी जो प्रोसेसिंग फी है वो 500 रुपये यहाँ पर दिखा रहा है, और इसका जो टाइम पीरियड है लोन का वो 3 महीने से लेकर 36 महीने तक आप ये लोन ले सकते हैं। तो नीचे चेकबॉक्स पर आप क्लिक करेंगे एंड प्रोसीड केवाईसी पर क्लिक करेंगे। आप जैसे प्रोसीड केवाईसी पर क्लिक करते हैं, इसके बाद में आपके जो भी आधार कार्ड के नंबर है वो आधार कार्ड के नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे, सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, तो आपके आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाती है। ओटीपी को आप फिल करके ओटीपी वेरीफाई कर लेंगे तो आपके आधार कार्ड के थ्रू आपकी जो केवाईसी वो सक्सेसफुल हो जाती है। आप यहाँ पर देखेंगे केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। इसके बाद में दोस्तों आपको नीचे ऑप्शन शो होगा ओपन कैमरा, आप ओपन कैमरा पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके कैमरे को आपको एक्सेस दे देना है, आपका मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा। तो आपको अपनी एक सेल्फी यहाँ पर ले लेनी है, अपनी इमेज एक क्लिक कर लेनी है। सेल्फी क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे योर केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, आपकी जो केवाईसी है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाती है। इसके बाद में दोस्तों कुछ रिव्यूज़ एंड टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर आपके सामने शो हो जाती है, तो इन सभी टर्म एंड कंडीशंस को आपको यहाँ पर एग्री करना है और नीचे एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन 5,00,000 प्रोसेस विड्रॉल, हमारी जो क्रेडिट लिमिट है दोस्तों हम यहाँ पर 5,00,000 रुपये तक की मिल। अब इस 5,00,000 की क्रेडिट लिमिट को दोस्तों हम यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आप यहां पर नीचे देखेंगे प्रोसीड टू विड्रॉल का एक बटन आपको शो हो रहा होगा, सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। अब दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, आप जिस बैंक में भी ये जो आपकी क्रेडिट लिमिट मिली है, क्रेडिट लिमिट का पैसा मिला है, जिस बैंक में भी आप लेना चाहते हैं उस बैंक का आपको चुनाव यहां पर कर लेना है, और अपने बैंक के जो आईएफएससी कोड है, अकाउंट नंबर है, वो सभी आपको डालकर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। तो आपका जो अकाउंट है यहां पर सक्सेसफुल तरीके से वेरीफाइड हो जाता है, आपके अकाउंट में 1 रुपया डिपॉजिट किया जाता है ताकि आपका अकाउंट है सक्सेसफुल तरीके से वेरीफाइड हो जाए। अब दोस्तों इसके बाद में आप यहां पर ऊपर में ही देखेंगे सेटअप ऑटो पे, दोस्तों आपको अपने अकाउंट का सेटअप ऑटो पे करना होता है। सेटअप ऑटो पे दोस्तों क्या होता है, आपकी जो मंथली ईएमआई बनेगी वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक से कट सके, तो आपको अपने एटीएम जो आपका डेबिट कार्ड है उसके थ्रू या फिर अपनी नेट बैंकिंग के थ्रू ऑटो डेबिट पे आपको यहां पर करना होता है। तो आप अपने अकाउंट के थ्रू ऑटो डेबिट पे कर लेंगे, जो भी आपका डेबिट कार्ड के थ्रू आप करेंगे, नेट बैंकिंग के थ्रू करेंगे, वो आप अपने हिसाब से यहां पर कर सकते हैं। आप अपने डेबिट कार्ड के थ्रू ऑटो पे कर देते हैं तो आपके जो अकाउंट से आपकी जो मंथली ईएमआई बनेगी वो ऑटोमेटिकली यहां पर कट जाती है। आपको ऑटो पे सेट करने के बाद में आपको नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है, तो आप यहां पर देख सकते हैं योर है मेथड रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। अब दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं फाइनल स्टेप के अंदर आपका जो पैसा है अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आपसे यहां पर कुछ और डिटेल्स मांगी जा रही है, तो यहां पर पर्पस पूछा जा रहा है। दोस्तों ये जो लोन का पैसा आप अपने अकाउंट में ले रहे हैं वो किस पर्पस के लिए ले रहे हैं, तो आप अपना पर्पस यहां पर चुन लेंगे। इसी के साथ में आप लोन अमाउंट, आपको जो 5,00,000 की लिमिट मिली है, आपको अपने हिसाब से जितने रुपये की भी लिमिट मिली होगी उस लिमिट में से आप कितने रुपये अपने बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं वो अमाउंट आप यहां पर फिल करेंगे, और कितने टाइम के लिए आप ये अमाउंट ले रहे हैं वो टाइम आप यहां पर फिल करेंगे। तो आप यहां पर 3 महीने से लेकर 30 महीने चुन सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहां पर आपको नीचे शो हो रहा होगा, जैसे आप यहां पर देखेंगे हम जितने भी लोन अपने बैंक अकाउंट में लेंगे वो लोन की राशि हमें यहां पर दिखाई देगी, और हमारी ईएमआई हमें यहां पर दिखाई देगी, नेट अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में कितना सेंड किया जाएगा, जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो कितनी है, और दोस्तों यहां पर एनुअल प्रोसेसिंग फीस है वो कितनी है, वो सारी डिटेल आपको यहां पर नीचे देखने को मिल जाएगी। तो इन सभी चीजों को आपको एक बार अच्छे से वेरीफाइड कर लेना है। सारी चीजें वेरीफाइड करने के बाद में नीचे आपको एक विड्रॉल का बटन शो हो रहा होगा, आपको इसी पर ही क्लिक करना है। तो आप यहां पर देखेंगे विड्रॉल सक्सेसफुली, आपका जो भी पैसा है आपके अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया जाता है, और नीचे आपको यहां पर कंफर्मेशन का एक बटन शो हो जाता है। तो दोस्तों जब भी अब आपकी नेक्स्ट मंथ ईएमआई बनेगी वो ईएमआई आपको इसी एप्लीकेशन में शो हो जाती है, और आपने जिस बैंक से भी ऑटो डेबिट सेट किया है ऑटो डेबिट के हिसाब से आपकी जो ईएमआई है वो पर मंथ आपके बैंक से ऑटोमेटिक ही कट जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो के अलावा आपका फिर भी कोई कंफ्यूज या फिर सवाल जवाब है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नई और यूनिक वीडियो के साथ में, अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।